वेलकम खुशबू। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। मैं क्लास में हूँ, ठीक है। बस थोड़ा माइक और वीडियो ऑफ है टिल 8:05। आज जब 8:05 हो जाएंगे तब मैं क्लास का वीडियो और ऑडियो चालू कर दूंगा। फिलहाल मुझे ये बताइए, आज आवाज और वीडियो दोनों क्लियर आ रही है या नहीं? वॉइस और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर आज भी ऐसा है कि वॉइस और वीडियो क्लियर नहीं है तो फिर समस्या वाली बात हो जाएगी। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए फिर, अभी सही है तो कोशिश यही रहेगी कि आगे भी सही रहे और जो भी सही चीजें हैं वो सही रहे। ठीक सर, प्रोनाउन, सर प्रोनाउन। प्रोनाउन ही कराऊंगा। कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं था? कल आवाज स्टक हो रही थी बार बार, वीडियो स्टिकिंग हो रही थी, तो अगर कोई कल की क्लास से डाउट है तो पूछ सकते हो। संध्या वेलकम। हाँ संध्या भी आ गई। कल की क्लास से कोई डाउट है? सर कल बहुत डिस्टर्ब हुए हैं तो आप रिवाइज करा दें तो बेटर होगा। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं रिवाइज करा दूंगा अभी क्लास को, ठीक है। तो चलिए मैं रिवीजन शुरू कर देते हैं ना। मैं सारी चीजें करा दूँ फर्स्ट क्लास से, फर्स्ट क्लास से लेकर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो सारी चीजें। चलिए देखिए, जो पहली क्लास थी उसमें थी अल्फाबेट्स और लेटर्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो अल्फाबेट्स होते हैं वो एक क्रम में होते हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है। जैसे ए बी सी डी, अगर ऐसे पढ़ा जाए तो अल्फाबेट्स हैं। अगर इन्हें जंबल कर दिया जैसे ए के पी एस, तो कोई सिक्वेंस नहीं है, सिक्वेंस नहीं बनता, तो क्या होते हैं? लेटर्स। बताया था मैंने फिर कि अल्फाबेट्स को, है ना, अल्फाबेट्स को क्या किया है, अल्फाबेट्स सॉरी लेटर्स को या अल्फाबेट्स को डिवाइड किया है कई सारे पार्ट्स। अब उन सारे पार्ट्स के बारे में बात करूं वो तो कौन कौन से हैं? तो वोवल हैं आपके साथ, कौन कौन से हैं? वोवल हैं और कौन से हैं? वोवल हमारे पास पांच हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो बाकी 21 बचे वो सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक। फिर मैंने इसी के बाद आपको बताया था कि वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है ना। इसी के बताया था वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। वोवल साउंड वो होता है जब आ से लेके अंगा तक का साउंड आए, आ से लेके अंगा तक का साउंड आए। कॉन्सोनेंट साउंड वो होता है जब का से लेके ज्ञ तक का साउंड आए। वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बात हुई थी, है ना। वोवल साउंड के बारे में बात करें तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे एमएलए है, तो जब इसे एमएलए को लिखते हैं तो एम एल ए, तो जो ए है ये वोवल साउंड में आएगा, इसलिए इससे पहले आर्टिकल एन का यूज किया जाता है। यही एस पी है तो एस पी बोले पढ़ते तो एस, ये वोवल साउंड आता है। फिर मैंने एग्जाम्पल लिया बनाना, बनाना में देखिए बार है तो बार जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? Is there any query? Any doubt? Any problem? No. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम क्लास में पढ़े तो हमने देखा वर्ड्स क्या होते हैं। तो मैंने बताया था ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस इज नोन एज वर्ब। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, शब्द। जैसे वाय सॉरी बॉय, प्रूडेंट अकेडमी, ये सब क्या है? वर्ड्स हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई अर्थ निकल रहा है तो वो शब्द है। जैसे वाई ओ बी बोला तो वाई ओ बी का एक अर्थ निकल रहा है ना, सॉरी वी ओ बाई बोला, वी ओ बाई का एक अर्थ निकलता है, इसका होता है लड़का। लेकिन जब मैं बोलता हूँ वाई ओ बी, वाई ओ बी का कोई मीनिंग है ही नहीं, और जब मीनिंग नहीं निकल रहा
फिर वो वर्ड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है दुनिया के अंदर, जैसे मीनिंग निकलेगा ही नहीं। तो जैसे केटीसी, अब मैंने ये बोल दिया केटीसी कोई मीनिंग नहीं है तो ये वर्ड नहीं है, तो क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है पर वर्ड नहीं है। क्लियर, शब्द तो वही होंगे जिनका अर्थ निकलेगा, अगर अर्थ नहीं तो शब्द नहीं। इतनी चीज क्लियर हो रही है? फिर उसके बाद हमने बात की सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है बेटा? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस कंप्लीट सेंस, शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे हम बोलते हैं सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोला था एग्जाम्पल में, प्रूडेंट अकेडमी इज द बेस्ट अकेडमी इन फैजाबाद, है ना। तो यहाँ देखिए, प्रूडेंट अकेडमी जो है पूरा एक सेंटेंस बन गया कि प्रूडेंट अकेडमी इज द बेस्ट अकेडमी इन फैजाबाद, इसका एक अर्थ निकल रहा है। ठीक, अगर मैंने बात की उसके बाद कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास तीन चीजें होना मैंडेटरी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। फिर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अगर होगा तो वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, इनके अलावा कोई और पार्ट ऑफ स्पीच नहीं हो सकती। वर्ब में हेल्पिंग या मेन वर्ब आ सकती है। ऑब्जेक्ट की बात करूं तो नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। फिर मैंने बताया था अदर वर्ड्स भी होते हैं। अदर वर्ड्स की बात करूँ तो मैंने बताया था आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारे होते हैं। तो इन्हीं सभी को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आर्टिकल है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सब क्या है? हाँ, ये जो सब है इस पर इरेज कर दूं मैं, है ना। सही है, तो जो ये आर्टिकल्स हैं, नाउन्स हैं, प्रोनाउन्स हैं, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, अगर हम बात करें तो इंग्लिश के अंदर पार्ट ऑफ स्पीच का ही सारा काम है। अगर हम ये देखें तो जो एरर बनती है या तो आर्टिकल की होगी या नाउन की होगी या प्रोनाउन की होगी या वर्ब की होगी, ये सबसे तो होगी, इनके अलावा कहीं से आ सकती है? नहीं आ सकती। ठीक, अब आप बोलेंगे कि टेंस की हो सकती है, वॉइस की हो सकती है, तो वॉइस बनते किसके हैं? वर्ब की। ठीक, फिर मैंने पहली पार्ट ऑफ स्पीच का शुरुआत की, दैट इज नाउ, बताया कि नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउ। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है उसे हम कहते हैं नाउ। फिर मैंने ये बताया कि जो नाउन होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे नाउन है। फिर मैंने बताया प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो फिर प्रॉपर नाउन के बारे में बात करें तो एनी पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड, हेलो एक सेकेंड बेटा, हाँ जी, रिथिक्स कहीं आता है, आर्टिकल्स कोई अलग चीज नहीं है, वो भी पार्ट ऑफ स्पीच ही है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? आर्टिकल्स क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं? चलिए आगे देखिए, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? एनी पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कोई भी पर्टिकुलर नेम या किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को कोई पर्टिकुलर नेम दे दिया जाए उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। फिर मैंने ये बताया था कॉमन नाउन के बारे में बात करूं तो नाउन विच इज एप्लीकेबल टू सेम टाइप्स। ठीक, कॉमन नाउन क्या होता है कि जब सेम जैसे, किसी भी सेम, जैसे बेटा इस क्लास में मैं बात करूं, कोई नहीं रिक्त, कोई नहीं, आर्टिकल्स भी पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, पढ़ा नहीं है तभी तो आप यहाँ हो। पढ़ा होता तो अब यहाँ नहीं होती ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज का। अब जैसे यहाँ मैं बात करूं तो खुशबू, रितिका और संध्या तीनों सेम टाइप हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं गर्ल्स। पीयूष, अच्छा कोई बच्चा आज रह गया क्या? हर्ष नहीं आया और भी नहीं आया,
पीयूष तो आया है, हर्ष नहीं आया, और एक और बच्चा शायद रोहन नहीं आया है। कोई नहीं, तो कॉमन समझ आ गया। जिस टीचर्स हैं, मैं टीचर हूँ, और भी कोई टीचर्स होंगे आपके? आज आज मैथ की क्लास थी, कैसे हुई? वो भी एक टीचर है। मैथ की क्लास अच्छी लगी पीयूष? कैसी रही क्लास? अच्छा, कैसी रही क्लास? यस सर, तो है अच्छी थी। चलो, समझ में आया सारी चीजें? थोड़ी क्लास स्ट्रगल वगैरह हो रही थी इंटरनेट को लेके, या ये मुझे मालूम पड़ा बाद में। एंड में हुआ था। चलो, वो आज प्रॉब्लम खत्म हुई है। एंड का क्या है बेटा, नेटवर्क का? तो ये सब समझ में आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलिए, कॉमन नाउन के बारे में बात करा, तो कॉमन नाउन क्या होते हैं बेटा? कोई भी नाउन, द नाउन विच इज एप्लीकेबल टू सेम टाइप्स ऑफ बॉय, गर्ल, टीचर। दिस टू भी चीज है, बॉय है, गर्ल है, टीचर है। जैसे आप लोगों के पास ये देखो, ये पेन है, सेम ये भी पेन है, ये सब पेन है ना? ये जो पेन है वो भी कॉमन नाउन हो गया। क्लियर है? ठीक, क्लियर। फोन, ये फोन है, दूसरा फोन, जो भी आपके पास फोन होगा, दिस ऑल आर क्या हो जाएंगे बेटा? ये कॉमन नाउन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ नेम गिवन टू अ ग्रुप। एक ग्रुप को कोई भी नाम दे दिया जाए, एक ग्रुप को कोई भी नाम दे दिया जाए। जैसे आर्मी है, आर्मी क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। फैमिली क्या है? ग्रुप ऑफ मेंबर्स। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स, मेंबर्स, सोल्जर्स, ये सब क्या हुए? ये ना, आर्मी, फैमिली, क्लास, ये हुए कलेक्टिव नाउन। और सोल्जर्स, मेंबर्स, स्टूडेंट्स, ये सब क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन के ग्रुप को अगर कोई एक नाम दे दिया जाए, कॉमन नाउन के ग्रुप को अगर कोई एक नाम दे दिया जाए, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द नाउन दैट कैन बी फेल्ट बट नॉट बी टच, इट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कि जिसे हम छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते। ठीक है, वो नाउन जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, उसे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है इतना? ठीक है, जैसे एंगर, लव, नॉलेज, क्योंकि देखा है गुस्सा कैसी होती है? वो तो एक इमोजी है जिसे हम बना देते हैं, है ना? इमोजी है। जैसे ये इमोजी अगर बना दूं, या इमोजी का कोई ऑप्शन है यार, मुझे तो ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ रहा इमोजी का। क्यों, आपने बनाई थी उस दिन इमोजी? कैसे बनाई थी? हाँ, ये जो पीयूष ने इमोजी बनाई है, ये बस एक एक्सप्रेशन है एंगर को दिखाने का, बट हमने एंगर देखा नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, पर एंगर गुस्से में होते हैं। अरे बस बस पीयूष, बस इतनी गुस्सा बहुत है। ये बना कैसे रहे? मैं नहीं बना पाता, इन्हें लैपटॉप में नहीं बन पा रही है। देखो मैं, अरे हाँ हो गया, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप इसे, इस टाइप से। ठीक है, चलिए। अगर मटेरियल नाउन के बारे में बात करूं, तो नाउन नेम ऑफ दैट सबस्टेंस व्हिच इज यूज्ड टू मेक अनदर थिंग। जिन चीजों का यूज कोई अन्य चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे स्टोन, गोल्ड, सिल्वर। गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, ऑर्नामेंट्स, है ना? स्टोन से मकान, हाउस, ब्रिक्स, ये सब क्या है? दीज ऑल आर मटेरियल नाउन। कोई दिक्कत यहां तक? एनी क्वायरी? पक्का? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़े फिर। चलिए, देखिए, मैंने फिर यहाँ ये बताया था कि कलेक्टिव नाउन कब सिंगुलर होता है और कब प्लूरल। क्योंकि कलेक्टिव नाउन, अच्छा उससे पहले चीज वो समझ लेते हैं, सब कलेक्टिव से चलता है। देखिए, नाउन है, उसके दो और टाइप भी होते हैं।
नाउन है, उसके दो और टाइप भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दे आर टू टाइप्स ऑफ नाउन विच आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल द नाउन विच वी कैन काउंट, वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे बोलते हैं काउंटेबल नाउन, और वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते द नाउन विच वी कांट काउंट दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। इन्हें सिंपल शब्द में समझने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ जिन किसी के भी आगे हम काउंटिंग्स लगा सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 ऐसा, 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉयज है ना, 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज 4 बॉयज 5 बॉयज, तो बॉयज कैसा हो गया काउंटेबल है ना, 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल्स सब क्या हो गया काउंटेबल। देख रहे बोलू 1 वॉटर 2 वॉटर 3 वॉटर, हिंदी में समझो, 1 पानी दे दो 2 पानी दे दो 3 पानी दे दो, ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। तो जिस चीज के आगे हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लगा के बोल सके 1 2 3 4, इन्हें बोलते हैं हम काउंटेबल, और जिन्हें नहीं बोल सकते वो कहां से हो गए अनकाउंटेबल। इज इट क्लियर? चलिए अगर हम समझ लें तो आगे एक चीज समझ सकते हैं कि जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं कौन से, काउंटेबल नाउन इनका सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों बनता है, सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों बनता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल का केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, प्लुरल फॉर्म नहीं होता, प्लुरल फॉर्म नहीं होगा। इज इट क्लियर? जैसे बॉय है, बॉय का होता है बॉयज, ठीक है, बॉय का होता है बॉयज, लेकिन क्या आपने कभी वॉटर का वॉटर्स पढ़ा है? नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है, वॉटर्स कैसा है अनकाउंटेबल, तो कभी भी अनकाउंटेबल का प्लुरल नहीं बनता। क्लियर? अगर क्लियर है तो अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसको मैं पढ़ाने की सोच रहा था कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं या प्लूरल, दोनों चीज बताइए। यहां तक क्लियर है सभी को? खुशबू, पीयूष, संध्या, रितिका, क्या आप लोग क्लियर है ये? बोलिए भाई, क्लियर है क्या? यस सर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, इंग्लिश इतना डिफिकल्ट नहीं है, है ना, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, बस इसे डिफिकल्ट बनाया जाता है। देखते हैं भाई, इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है तो क्या है। देखिए आइए भाई शुरू करते हैं। देखिए कलेक्टिव नाउन जैसे फैमिली है, फैमिली सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी, कैसे होगी, सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी, लेकिन फैमिली का एक पूरा नाम होता है फैमिलीज, क्या होता है फैमिलीज। ठीक है, अब बात करता हूँ फैमिलीज की, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, फैमिलीज की, तो फैमिलीज का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली, है ना, अलग अलग लोगों की फैमिली, जैसे पर्सन ए यानी कि मेरी फैमिली, बी यानी पीयूष की फैमिली, सी यानी रिता की फैमिली, डी यानी कि खुशबू की फैमिली, तो ये जो फैमिली हो गई ये हो गई फैमिलीज। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं एक ही फैमिली की, किसकी, एक ही फैमिली की, जैसे जैसे देखो बेटा इसको ये समझ सकते हैं, हाँ फैमिली is going to watch, नहीं, इसको ऐसे नहीं, फैमिली इज डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। एक सेकेंड,
लॉक दियो आराम से। हाँ क्या कर रहा था। हाँ फैमिली डिसाइडेड टू गो आउटसाइड। इस सेंटेंस को पढ़ो और फिर इसको पढ़ो। फैमिली इज कंफ्लिक्टिंग टू डिसाइड इन डिसाइडिंग देयर डेस्टिनेशन। देखिए पहली सेंटेंस को मैंने इज लगाया है और दूसरे में क्या लगाया है। अरे भाई दूसरे में लगाया है आ। तो क्या पहला सही है या दूसरा सही है। तो बेटा दोनों ही इस कंडीशन सही है। देखिए मैंने बताया था पीयूष इस एग्जांपल को ऐसे समझो जैसे ये पीयूष है और ये पीयूष की फैमिली। ठीक है पीयूष की शादी हो चुकी है तो पीयूष आज भाई फ्री हो गए हैं तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमें आज मूवी देखने चलना है। तो जैसे ही पीयूष ने बोला मूवी चलते हैं पीयूष ने बोला यस सभी का हो गया यस। बच्चों ने बोला यस चलो चलते हैं पापा पीयूष। ठीक है लेकिन जैसे ही पीयूष ने बोला कि हम चलते हैं मूवी देखने पीवीआर तो वैसे ही कंफर्म शुरू हो गया। एक पीवीआर दूसरा बोला डीडी सिनेमा तीसने बोला नहीं नहीं हम तो सी चौकी में जाएंगे आगरा। एक ने बोला नहीं सरकार में देख लेते हैं। ठीक तो ये सब क्या हो गए कंफ्लिक्ट हो गए। तो जब कलेक्टिव नाउन ठीक है जब कलेक्टिव नाउन सेम इन थॉट होगा कैसा होगा सेम इन थॉट। जब कलेक्टिव नाउन सेम इन थॉट होगा सॉरी बेटा हाँ सेम इन थॉट होगा तो सिंगुलर और डिफरेंट इन थॉट होगा तो प्लूरल। क्लियर है यहां तक कोई डाउट। सेम इन थॉट टू सिंगुलर और डिफरेंट इन थॉट प्लूरल। क्लियर है यहां तक कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर कमेंट नहीं आया तो मैं मान लेता हूँ क्लियर है। ठीक कमेंट मेंटेन ही करना होगा जब आपको डाउट हो। अगर आपको डाउट नहीं है तो नो नीड टू कमेंट। यस सर नो सर के लिए भी जरूरत नहीं है कि आप करो ही करो मैटर ही नहीं है। ठीक है लेकिन डाउट हो तो आप 100% कमेंट कीजिए। कोई चॉइस नहीं होता कि करूं सर नहीं सर ऐसा कोई जरूरत नहीं करना ही है। ठीक है चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था जो प्रोनाउंस होते हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं। आप प्रोनाउन होता क्या ये बताया था। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द हैं जो एक नाउन की जगह पे आते हैं या द वर्ड विच इज यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन। द वर्ड विच इज यूज ऑन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। वो शब्द जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर मैंने नीचे एग्जाम्पल दे रखे थे कि आई वी माइन एक्सेट्रा ये सब क्या है दिया प्रोनाउन। फिर मैं बात की थी आगे की जो प्रोनाउंस होते हैं वो 11 टाइप्स के होते हैं जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है पजेसिव डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल इम्फेटिव इंटरोगेटिव रिलेटिव और एक्सक्लेमेटिव। अच्छा जो एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन होता है इसे ही बोलते हैं इंटरजेक्शन या सेम अप्रोक्सीमेटली। ठीक यहां तक कोई दिक्कत। फिर जब इतनी चीजें हो गई थी तो मैंने बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं। आगे बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की भी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। ठीक है तुम रही गई। चलिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर अ सर्टेन पर्सन थिंग्स और ग्रुप। वो प्रोनाउन जिनका प्रयोग एक सर्टेन पर्सन थिंग और ग्रुप के लिए किया जाता है। देखो हर चीज को थ्योरी अकॉर्डिंग मत समझो। हम इसे ये भी कह सकते हैं जो प्रोनाउन वो प्रोनाउन द प्रोनाउन विच इज यूज ऑन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट। वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है तो पीछे पीपीटी चल रही है क्या वो आपको दिखाई पड़ रही है जो बोर्ड पर चल रहा है पीछे बैकग्राउंड में क्लियर साफ विजिबल है।
चलिए क्लियर ही होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जिनका यूज हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह पर करते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो पर्सनल प्रोनाउन है वो है कौन कौन से। तो देखो समझते हैं कौन कौन से हैं। अगर बात करें दो होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जैसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के देखें दो होते हैं, आई और वी। इनका ऑब्जेक्ट केस देखें तो मी और अस। देखें इधर तो यू, इधर भी यू ही आता है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। सी का हर होता है, इट का इट होता है, ही का हिम होता है, और दे का ऊपर लिख रहा हूँ, फैन यही ना पड़े नीचे, दे का देम होता है। क्लियर है इतना? ये जो पहले दूसरे हैं, दीज आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, थर्ड वाला सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, और ही सी इट एंड दे दीज आर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इज इट क्लियर और नॉट सर? स्किन क्लियर। अरे बहुत बढ़िया, आज क्लास में कोई इंटरप्शन नहीं है। देखो मैंने कल बोला था आपसे कल क्लास में कोई इंटरप्शन नहीं होगा, मैं अपने शब्दों पे खरा उतरा और आज की क्लास में कोई इंटरप्शन नहीं है, ठीक। चलिए यहां तक क्लियर है पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? अगर पर्सनल प्रोनाउन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम इनडेफिनेट प्रोनाउन पर। इनडेफिनेट प्रोनाउन और सिंपल। देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं तो इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन आर दोज है ना विच रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग और ठीक है, एक स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को नहीं डिनोट करते। जैसे एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग एल्स ना, बहुत सारे। ये जो होते हैं नेचर में सिंगुलर होते हैं हमेशा। और कैसे वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं, नेचर में सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। क्लियर है? क्लियर है भाई? यहां तक सब क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? इतना क्लियर है? देखिए इसके एवरीवन जो है, जैसे एवरीवन, इनडेफिनेट प्रोनाउन वो सब होंगे जिनमें ये वन बॉडी या थिंग आए। जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग है ना, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, ठीक है। पीएचई एनजी है, नथिंग, समवन, समवन, समबडी, समथिंग, ठीक है। नो वन, नो बडी, नथिंग। क्लियर? एनी वन, एनी बडी, एनीथिंग। ये सब क्या है बेटा? ये दीज ऑल आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। दीज ऑल आर इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अगर हम इनके आगे बात करो तो ये जो सब है ये सब सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कैसे लेते हैं? सिंगुलर वर्ब। जैसे जैसे रेस करके देखता हूं, जैसे एवरी एवरी वन हैज हिज ओन क्वालिटी, ठीक है। तो एवरीवन यूज हुआ, इसकी सिंगुलर वर्ब यूज किए हैज। क्या यूज किया है? हैज। हमें हैव यूज नहीं करेंगे, कभी हैव यूज नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। देखिए जैसे एवरीवन ने यहाँ सिंगुलर वर्ब ली है वैसे ही कहता है सिंगुलर प्रोनाउन। अगर एवरीवन और या बड़ी वाले जो है, वन या बड़ी, इन दोनों के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक।
और प्रोनाउन के बारे में बात करूं, अगर हम इसको हटा के प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, प्रोनाउन के बारे में, तो प्रोनाउन कैसा रहेगा, ही या शी की फैमिली से, जैसे ही हिज हिम इनमें से कुछ, या फिर शी हर इनमें से कुछ, या हिम सेल्फ या हर सेल्फ इनमें से कुछ। क्लियर है, इनमें से ही कुछ आएगा। लेकिन क्योंकि देखो वन और बॉडी जो है ह्यूमंस के लिए आता है, किसके लिए आता है, ह्यूमंस के लिए। लेकिन वही अगर थिंग आ रहा है, क्या रहा है, थिंग थिंग नो नथिंग या कोई भी एनीथिंग वाला कोई भी आ रहा हो, तो इन सब में जो है वो उनके लिए आएगा इट। क्लियर है, इट की फैमिली से। यहां तक तो कोई डाउट? थैंक यू रित्का, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों के तो बहुत अच्छी बात, यही चाहिए मुझे। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हर एक स्टूडेंट के सारे डाउट क्लियर होते रहे लाइव क्लास, किसी को ये फील ना हो कि वो ऑनलाइन क्लास में है या ऑफलाइन क्लास। जैसे बच्चे ऑफलाइन क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं, वैसे ही ऑनलाइन क्लास डाउट ऑनलाइन क्लास में डाउट क्लियर करें। इसीलिए मैंने स्पेशली इसमें रेज हैंड का ऑप्शन रखा, कि बच्चे को ऐसा बोलते ना सिर्फ कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं या वो, भाई रेज हैंड करो, अगर इनकेस आपको नीड लगती है तो रेज हैंड करो और डाउट पूछ लो, इसीलिए स्पेशली। और ये भी नहीं है ये डाउट केवल आप पूछोगे मुझे सुनाई पड़ेगा, पूरी क्लास सुन सकती है, हो सकता है किसी का जेनुइन डाउट हो, इसीलिए स्पेशल फीचर करवाया था ये वाला मैंने। अन अकेडमी जो ऐप है उसमें इसके लिए आपको अलग पैसे पे करने पड़ते हैं। जैसे जो नॉर्मल कोर्स खरीदते हैं वो 11-12 हजार रुपए का समथिंग मिलता है, और जो 11-12 हजार रुपए का सोच लो, और जो ये रेज एंड वाला फीचर वाला कोर्स खरीदते हैं उनके लिए ये अमाउंट जाता है 27 से 28 हजार रुपए, जो मेरे यहाँ सबको मिलेंगे, चाहे 1,000 वाला हो, चाहे 500 वाला हो, चाहे फ्री वाला, सबको सेम। ठीक है, चलिए आगे। अगर हम बात करें कि हमने कल पढ़ाई की वो की प्रोनाउंस के बारे में, पचैसे प्रोनाउंस, ये सब कल की क्लास पे आ गए हैं, जो कल हमने पढ़ा था उसे रिवाइज कर रहे हैं। देखिए पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा, द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू शो पजेसिव पजेशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। देखिए जब पजेसिव की बात करते हैं है ना, पजेसिव की बात करते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव। डिफरेंस क्या है, देखिए तो डिफरेंस सिंपल सा है कि अगर एडजेक्टिव है तो उसके बाद नाउन आना मैंडेटरी है, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो उसके बाद नाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, नाउन। अब कुछ मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, अगर हम देखें तो हमारे पास हर चीज के केसेस होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई भी आते हैं तो माइन और आस, ये क्या हो गए, ये हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, थर्ड पर्सन में योर्स, ये प्रोनाउन है, उसके बाद हिज हर्स इट्स देयर्स, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पजेसिव प्रोनाउन। लेकिन भैया मैं एडजेक्टिव की बात करूं, अगर यही हम एडजेक्टिव की बात करें तो माई है ना, हिज सॉरी माई अवर योर हिज ना हर इट्स और देयर, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे कौन से बेटा पजेसिव एडजेक्टिव है। अब समझो, क्या कभी आपने सुना है दिस दिस पेन इज माइन पेन, नहीं, ये सेंटेंस गलत होता है, क्योंकि माई जो है वो प्रोनाउन है और प्रोनाउन के बाद हमेशा क्या आता है बेटा, नाउन, सॉरी हमेशा नाउन नहीं आता, क्या नहीं आता, नाउन नहीं आता। वही ये जो दिस है वो एडजेक्टिव, इस पर क्या आएगा, नाउन आएगा। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है दिस इज माई पेन है ना, माई यहाँ पे क्या बेटा, ये माई जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद नाउन आना मैंडेटरी, अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो नाउन आना मैंडेटरी है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है, कल फिर मैंने ये क्लास, फिर इस क्लास को खत्म करने के बाद हम अपने अगले प्रोनाउन में पहुंचे, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, किससे पहुंचे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी सिंपल सा है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है जानने के लिए कि ऐसा क्यों है, क्या नहीं,
सिंपल सा है, जैसे क्या है भाई, दिस दैट दीज एंड डू, दीज ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड प्रोनाउन, तो डेमोन्स्ट्रेटिव है तो डेमोन्स्ट्रेटिव लिखने की जरूरत भी क्या है, दीज ऑल आर प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। अब जब दोनों ही प्रोनाउन भी हैं एडजेक्टिव भी हैं ये चारों, तो फिर हमें कैसे मालूम पड़ेगा, वही सिंपल सा, अगर प्रोनाउन होंगे क्या होंगे, प्रोनाउन, तो इनके बाद नाउन नहीं आएगा, और अगर एडजेक्टिव होंगे क्या होंगे, एडजेक्टिव, तो इनके बाद नाउन आएगा। क्लियर है, प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा और एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। क्लियर, जैसे लास्ट वाली स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं, दिस इज माई पेन, है ना, तो दिस के बाद नाउन नहीं आया, यहाँ पे क्या हो गया, ये दिस, दिस हो गया आपका प्रोनाउन, लेकिन दिस पेन इज माइन, तो पेन से पहले नाउन प्रोनाउन आया है, ये प्रोनाउन नहीं होगा, होगा एडजेक्टिव। क्लियर, यहां तक क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं और दिस और दैट का यूजेस बताते हैं। जी सर क्लियर, नहीं ये तो पुराना मैसेज है, सर क्लियर है, फ्यूज क्लियर, खुशबू खुशबू क्लियर है, हाँ फ्यूज, रितिका, खुशबू, संध्या, इज इट क्लियर और नॉट, खुशबू, यस सर, ठीक है खुशबू आगे बढ़ते हैं, ठीक है यस सर, ठीक है बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अभी लोग आए हो क्लास लेने, ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं जैसे आप इन सबके यूजेस की, दो नहीं चाहिए इन सबके यूज, इसको तो देखिए बेटा, जैसे कौन कौन से, दिस दैट दीज दोस, दिस दैट दीज दोस, देखिए अगर मैं बात करूं तो दिस और जो दैट है ये सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं, और दीज और दोस प्लूरल नाउन के साथ आते हैं, ठीक है, ठीक है, और दोस और दिस, लेकिन दैट और दोस जो आते हैं वो दूर की वस्तु या व्यक्ति के लिए आते हैं, दिस और दिस पास की वस्तु या व्यक्ति के लिए आते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, जैसे अगर मैं बोलता हूं दिस इज दीज बुक आर माइन, ये कहना गलत होगा बेटा, क्योंकि यहाँ बुक है, या तो यहाँ बुक्स करो ठीक है, या फिर यहाँ पे दिस और यहाँ पर इस करो, क्लियर, ठीक, तो दिस दैट का सिंगुलर के साथ, दीज दोस्त का प्लूरल के साथ, दैट दोस्त का दूर के लिए, दिस दीज का पास के लिए, इज इट क्लियर और नॉट, इफ यस यू विल गो फॉरवर्ड। आगे बात करते हैं, तो हम पहुंच चुके थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनका यूज चीजों को बांटने के लिए किया जाता है, चीजों से मतलब हमारा पर्सन से भी है, थिंग से भी है और प्लेस से, जैसे नाम को पढ़ो इसे, और नाम को पढ़ के आपको मालूम पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव इट मींस डिस्ट्रीब्यूट से बना हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक, डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है, बांटना, जैसे समझो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट की बात कर रहा हूं, तो पहला एग्जांपल समझो, ईदर ऑफ टू सिस्टर इज स्टेइंग हियर, दोनों में अब ईदर ऑफ टू सिस्टर मतलब मान लो कि दो सिस्टर हैं, एक और ये दूसरी, मैं बोलता हूँ कि ईदर ऑफ टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हियर,
गौरव ऐसे कोई सिस्टर यहाँ रुक सकती है, इट मीन्स या तो ये रुकेगी है ना, ये बात है बी, इसका नाम कुछ मान लेते हैं, इसका नाम कुछ मान लेते हैं, तो होगा ऐसा कोई एक। तो क्या किया इसने, बांट लिया कि या तो ये और या ये दोनों नहीं बोली है, नीदर ऑफ आर डिफेक्टेड, ये सब चीजें समझ सकते हैं ठीक है। इनके अलावा ईच भी है, एवरी भी है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में, वो भी सेम ही काम करेंगी। अगर मैं बात करता हूँ कि बेटा ईच स्टूडेंट हैज इट्स ओन क्वालिटी, तो मैं इसका मतलब हुआ प्रत्येक बच्चे की, जैसे समझो एक एग्जांपल समझते हैं, ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन क्वालिटी है ना। अब इस सेंटेंस को देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन क्वालिटी, इट मीन्स हर बच्चे की अपनी खुद ही क्वालिटी होती है। यानी कि अगर ये पांच बच्चे हैं, एक दो तीन चार पांच, ड्राइंग की हो, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, देखो तो ये पांच बच्चे हाल बन गए पांडव, तो ये जो पांच बच्चे हैं दिस एक साथ आने पर होगा सर पास का, नहीं, दिस अलग आएगा, दीज अलग आएगा, दिस अलग और दीज अलग है ना, दोनों का होगा पास के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ दिस बुक इज माइन, इट मीन्स देखो ये पास में फोन रखा हुआ है, मैं बोलता हूँ दिस फोन इज माइन, इट मीन्स ये पास में रखा हुआ है। अब ये फोन दूर रखा होगा कहीं दूर, तो बोलता हूँ दैट फोन इज माइन है ना। अब मेरे बहुत सारी पेन है, ये बहुत सारी पेन यहाँ रखी हुई है ना, तो बोलता हूँ दीज पेन्स आर माइन, ये सारी पेने मेरी हैं, अगर ये दूर लिखी होती है तो दोज पेन आर माइंस, दोज पेन आर माइंस, दूर के लिए दोज, पास के लिए दीज, ऐसे ही ये दोज जो है प्लूरल के लिए आएगा, दीज है वो प्लूरल के लिए आएगा। वही वही मैं आगे बताऊँ बेटा, तो दिस जो है वो पास के लिए पर सिंगुलर के लिए, और दैट जो है वो दूर के लिए पर सिंगुलर के लिए। नाउ क्लियर एवरीथिंग, रितिका क्लियर है क्या, अभी कोई डाउट है तो कहूँ, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, अगर आप बोलोगे आगे बढ़ने की तो मैं आगे बढ़ूंगा, बने ही पांच पांडव जो बने हुए थे वो ऐसे में रहेंगे। अगर क्लियर है रितिका तो हाँ या ना में जवाब दें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके रितिका, चलिए फिर पांडवों की तरफ चलते हैं और पांडवों को समझाते हैं। जब मैं बोला ईच स्टूडेंट हैज हिज ओन क्वालिटी, तो यहाँ पांच पांडव में से इसकी अलग क्वालिटी होगी है ना, ये तीर चलाने में एक्सपर्ट होगा, ये भीम होगा, बहुत 100 हाथों की ताकत होगी, हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होगी। क्लियर है पक्का, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्लियर है, ईच एवरी नीदर इधर सब, ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं फिर क्लास की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो बेटा समझ में आना चाहिए था सभी को, क्योंकि तो इस पे पीयूष की कहानी सुनाई गई थी शायद कल, हाँ बस आगे स्लाइड क्लियर कर दूं मैं, सो दैट तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, मैं बार बार इरेज करता हूँ, समझाने की जगह नहीं। देखिए मैं सारे प्रोनाउंस को एक साथ समझाऊंगा फिर इंडिविजुअल उठा लूंगा। देखिए इससे मेरे को डाउट तो नहीं, किसी मैं पूछ लूंगा सर, ना ऐसा हो डाउट हो, सर कल आवाज क्लियर नहीं आ रही थी तो ज्यादा समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं पीयूष, आज आवाज क्लियर, वीडियो क्लियर, ऑडियो क्लियर, सारी चीजें क्लियर है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है।
कल रितिका की वजह से नहीं हुआ था, रितिका ने क्या किया था, इंद्रदेव को खुश करवा दिया था मेरे से। अब इंद्रदेव मैंने खुश कर दिए तो फिर बारिश हो गई, फिर नेटवर्क चला गया। आज रितिका ने बोला ही नहीं तो मैंने बारिश कराई नहीं, तो बारिश नहीं कराई तो इंद्रदेव प्रसन्न नहीं, मतलब बारिश नहीं कराई तो नेटवर्क ही चल रहा है। अब एक टाइम पे एक लोग कुछ कर सकता हूँ मैं, या तो तुम गर्मी को शांत करवा लो इंद्रदेव की हेल्प से, ठीक है, कॉन्टेक्ट मेरे ऊपर तक है, यही थोड़ी ना है, आसपास तो रहता हूँ कॉन्टेक्ट में। चलिए, ऑल थैंक्स टू रितिका, रितिका ने आज बुला नहीं किया हमें, गर्मी लग रही है तो हम बारिश करवाएं। चलिए ऐसे ही परफेक्ट, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल और इम्फेटिक। देखिए मैं पहले एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, एग्जाम्पल से नहीं, पहले मैं तीनों के बारे में थोड़ी सी बात समझाता हूँ। ठीक है रित, चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता के पास वापस आता है, पर किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा। जब मैंने कोई एक्शन किया और वो मेरे पास वापस आया, ठीक है, मैंने कोई एक्शन किया और मेरे पास वापस आया, जैसे मैंने अपने आप को मार लिया, तो मारने का एक्शन मैंने किया, किस पर हुआ, मुझ पर हुआ। तो जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता के पास वापस आए पर उसमें किसी और की हेल्प ना लगे, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, वो प्रोनाउन जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता के पास वापस आए पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। जैसे मैंने कोई काम किया वो मेरे पास वापस आया, ठीक है, लेकिन अब इस बार जो एक्शन किया है मेरे ऊपर वो किसी और ने किया है, तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जब मुझे अपने आप को सुपीरियर या घमंडी दिखाना, ठीक है, जैसे जैसे आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, इस कंडीशन में मैं अपने आप को सुपीरियर या घमंडी दिखा रहा हूं कि मैं स्वयं इस कार्य को कर सकता हूं, मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये सुपी एम्फेटिक प्रोनाउन। वैसे होगा, समझ में आ रहा है, कहानी समझते हैं, कहानी समझिए और थोड़ी कला से समझिए। चलिए, कला का पहला भाग ये रहा, ये रहा एक पर्सन, इसने अपने आप को चोट पहुंचाई, ही हर्ट हिमसेल्फ, ठीक है। आजकल के जो आशिक है, ब्रेकअप हुआ, गए नस काट ली, है ना, ब्रेकअप हुआ गए नस काट ली, तो नस काटने का एक्शन किसने किया, आशिक ने। चोट लगी किसके, उसी के, तो करता है किसने, काम किसने किया, पर्सन ए ने, उसका प्रभाव किस पे हुआ, पर्सन ए पे। तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता के पास वापस आया पर किसी की और की हेल्प के साथ नहीं आया। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन कर्ता, अब थोड़ा कर्ता जो है समझदार हो गया, तो कर्ता ने क्या किया, जैसे ही बात आई ब्रेकअप की तो उसने एक खींच के थप्पड़ दिया, पर क्या करें, इधर से फिर थप्पड़ मिला, तो कर्ता ने थप्पड़ मारने काम किया, कर्ता के पास वापस आ गया पर किसी और व्यक्ति के द्वारा नहीं, सॉरी, किसी और व्यक्ति के द्वारा आया, ठीक है। तो जब कर्ता द्वारा किया गया कार्य कर्ता के पास वापस आए पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे अगर दो लोगों के बीच हो रहा है तो हम ईच अदर की बात करेंगे, ईच अदर, लेकिन अगर यही काम दो लोगों से ज्यादा के बीच में हो, इसने इसे मारा, इसने इसे मारा, इसने इसे मारा, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन एनदर, ठीक है, दो या सॉरी तीन या तीन से अधिक, तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, 10, 12, 15, 20, कितने भी हो, वन एनदर आएगा, लेकिन अगर दो है तो ईच अदर आएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा पीछे चल के, देखिए अगर बात करूं तो माई सेल्फ, ठीक है, सॉरी, अवर सेल्फ, ध्यान रखना, यहाँ मैंने सेल्फ बोला है, S E L और F, यहाँ बोला है S E L
VES क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं वी वी मतलब हम, और हम प्लूरल, और जब हम प्लूरल होंगे तो फिर सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा? सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा? सेल्फ। तो अब अगर मैं बोलूं अवर सेल्फ, तो ये वर्ड ही गलत है। अवर सेल्फ जैसा कोई भी वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों ही वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो हिम सेल्फ बोल सकते हो आप, हर सेल्फ बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इट सेल्फ बोल सेल्फ हो गए, क्योंकि देम सेल्फ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यू देम का मतलब प्लूरल नहीं होगा, देम कभी सिंगुलर व्यक्ति नहीं हो सकता। ये सबसे कैसे हैं प्लूरल? अगर आपसे बोला कि अवर सेल्फ तब भी गलत, माई सेल्फ तब भी गलत, हिम सेल्फ बोलता है, हिम सेल्फ बोलता है तब भी गलत। ये सब गलत होंगे जो ये रखे हुए हैं, यानी कि हमारे सामने अगर आप देखें तो जो ये प्रोनाउन है माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, सेल्फ, ये तो वर्ड ही नहीं है, ये समझाने के लिए था। ठीक है, योर सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ, ये सब क्या है? ये वर्ड वो है जो एग्जिस्ट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा और आठवा। ये आठ के आठ वर्ड एग्जिस्ट करते हैं। बाकी इनके अलावा आगे बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। तो बोथ द ब्रदर लव्ड ईच अदर, सो लव ईच अदर, तो बोथ है क्योंकि दो लोग होंगे, दो है तो ईच अदर मैंडेटरी है। और इंडियन शुड नॉट फाइट विद वन अदर, तो इंडियंस दो तो नहीं होंगे, दो से ज्यादा ही है। 150 करोड़ की आबादी हो चुकी है, ज्यादा की हो चुकी है, उसे फर्स्ट नंबर पर लगा है, चाइना को पास कर दिया है। तो एक तो नहीं है, और जब एक से ज्यादा है तो वन अदर का यूज किया जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेक्टिव प्रोनाउन में क्या अंतर है? रिफ्लेक्सिव भी माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है। इम्फेटिक भी माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है। ये जब सब दोनों के दोनों सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इम्फेटिक प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो सिंपल सा, अरे एक सेकेंड बच्चे, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ पीयूष, हेलो सर, अभी आवाज़ समझ में नहीं आई, सर दोबारा बता दीजिए पहले वाला। सर कहाँ से आवाज नहीं मिला? अभी आपने समझाया था ना, बोला थोड़ा पहले, इससे पहले वाला, वो आवाज़ समझ में नहीं आई थी सर। मैं इससे पहले जो स्लाइड थी मेरे लास्ट में, पास ये लास्ट थी। में। हाँ सर, ये वाला एग्जाम्पल। हाँ सर, ये वाला, ये हाँ वाला सर, ये वाला। हाँ ऐसे बोल वाला सर, ना, मैंने माइक ऑन रखने देना। तुम देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं बेटा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जिनमें कोई एक्शन सब्जेक्ट करता है, वो सब्जेक्ट के पास वापस आता है पर किसी और व्यक्ति के लिए, है ना, और व्यक्ति के द्वारा। इसलिए कहा बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर। तो मान लो एक ब्रदर ये है ए, ये दूसरा है बी, तो ये इसको प्यार करता है और ये इसको प्यार करता है, तो दोनों एक दूसरे को करते हैं प्यार। तो जो काम इसने किया वो इसके पास गया और वही काम इसने इसको लौटा के दिया। तो दोनों में, दो लोगों के बीच अगर कोई एक ही चीज का आदान प्रदान हो रहा है तो ईच अदर आता है। लेकिन इंडियन शुड नॉट फाइट विद वन अनदर। अब इंडियन एक तो है नहीं, इंडियन मोर देन 100 है ना, 100 करोड़, 150 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, तो वो एक नहीं है, और जब, या दो भी नहीं है। तो जब दो से अधिक लोगों के बीच कोई भी एक्शन का आदान प्रदान हो रहा हो तो उसे बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? वन अनदर के साथ यूज करते हैं। क्लियर? बोलते नहीं, वन अनदर वन अनदर का यूज करते हैं, सॉरी। क्लियर है पीयूष? हाँ सर, पक्का? यस सर, पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है, अच्छा खराब? अच्छा लग रहा है सर, पक्का अच्छा लग रहा है ना? यस तो फिर एक काम करना, आपसे रेफर करना सर, दूसरे स्टूडेंट्स को, इसको शेयर करना दूसरे स्टूडेंट्स को, तो
तो वो भी आके ज्वाइन हो हमसे, मतलब बताना कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। चलिए देखिए बेटा, फिर हम आते हैं इम्फेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। और इम्फेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इम्फेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा के समान हूँ। क्लियर है? तो जैसे सॉरी मैं बता, डिफरेंस क्या है? तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसे आएगा। लेकिन इम्फेटिव प्रोनाउन की बात करूं तो इम्फेक्ट सब्जेक्ट प्लस इम्फेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसे आएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के लास्ट में आता है, सेंटेंस के लास्ट में आता है। बोलता हूँ आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, या आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। यहाँ ये सेंटेंस जो है, इसमें माई सेल्फ जो ये दिखाई पड़ रहा है वो आपको इम्फेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या है? इम्फेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर मैं इसे पोलाइट बोलूंगा तो बोलूंगा आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, मैं इस कार्य को स्वयं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे किसी की आवश्यकता पड़ी तो मैं वो उसकी हेल्प ले लूंगा। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया, अगर मैंने ये बोला मैं इस कार्य को स्वयं कर सकता हूं, मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? इसीलिए जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो हम इंटरव्यू में पहुंच के ये नहीं कहते कभी कि माई सेल्फ प्रिंस शर्मा, हम बोलते हैं आई एम प्रिंस शर्मा या माई नेम इज प्रिंस शर्मा। ठीक है, कभी हम ये नहीं बोलेंगे माई सेल्फ प्रिंस शर्मा। ये इम्फेटिक प्रोनाउन आपको घमंड दिखाता है, और फिर इस कंडीशन में आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर है? तो अगर कभी भी जीडी वगैरह देने जाओ या इंटरव्यू कहीं देने जाओ तो माई सेल्फ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आई एम प्रिंस शर्मा, या फिर माई नेम इज प्रिंस शर्मा, इस तरीके से। क्लियर है? माई सेल्फ लगता मॉडर्न है बोलने में, बट इन रियलिटी ये मॉडर्न है नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, हमारी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पे नेक्स्ट आज ही करें, कल कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटरोगेटिव, देखिए अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंटरोगेटिव के साथ एक चीज नहीं चलती, तीन चीजें चलती हैं। प्रोनाउन जो आपको पढ़ना ही है अभी, एडजेक्टिव जो भी मैं समझाऊंगा अभी, और एडवर्ब, ये तीनों चीज। कोई नहीं समझाता इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों कैसे काम करती है, समझते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है, ठीक, क्या इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है, अगर उसका आंसर दोगे तो वो एक प्रोनाउन से आएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा तो उसका आंसर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से आएगा, अगर आंसर आता है एडवर्ब से तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग आंसर्स भेजना इनके, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, अब इसके आंसर्स देना। चलिए पहला, व्हाट इज योर नेम? ठीक है, व्हाई यू आर हियर, सॉरी व्हाई आर यू हियर? ठीक, व्हेन, सॉरी व्हिच बुक इज योर्स, व्हिच बुक इज योर्स, इन तीनों के आंसर देना फटाफट फटाफट। माय नेम इज पीयूष शर्मा, वेरी गुड। व्हाई आर यू हियर? आई एम हियर फॉर लर्न लर्न। पीयूष शर्मा, तुमने इंस्टा फॉलो किया था क्या आज?
लास्ट है क्या कुछ, विच बुक इज योर्स बोल सकते हो, रेड बुक इज माइन। बोल सकते हो रेड रेड बुक इज माइन। देखिए अब जब मैंने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज योर नेम, तो रितिका का आंसर आया और पीयूष का आंसर आया। हाँ वही खुशबू और संध्या, क्लास है पार्टिसिपेट किया कीजिए, आंसर्स आने चाहिए आपके भी, है ना, तभी तो क्लास इंटरेक्टिव बनेगी। ठीक है, और बाकी सेम पीयूष के जैसा। ठीक है, इसमें भी आलस है, इतना बड़ा लिख दिया, और बाकी से सेम पीयूष के जैसा, इसमें ये नहीं बोल सकती थी कि आई एम हियर फॉर लर्निंग लर्न इंग्लिश। उसमें कमी वर्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, द ब्लू बुक इज माइन। ठीक है, देखिए जब मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम का आंसर आया पीयूष शर्मा या रितिका यादव, तो पीयूष शर्मा और रितिका यादव दोनों का ही, पीयूष शर्मा और रितिका यादव दोनों ही नाउन है ना, तो नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, इसलिए व्हाट क्या हो जाएगा आपका प्रोनाउन। क्लियर है। व्हाई आर यू हियर, तो आपने बोला फॉर लर्न इंग्लिश, ये फॉर लर्न इंग्लिश क्या है, रीजन है ना, कारण है ना, आप यहाँ क्यों आते हैं, कारण है हमारा आने का कि हम यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने आ। तो जब आपने बोला व्हाई आर यू हियर, तो आपका आंसर जो है फॉर लर्न इंग्लिश, तो वो एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन। क्लियर है यहाँ तक, तो यहाँ जो वाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। लेकिन मैं बोलूँ विच बुक इज योर्स, तो जब मैंने बोला विच बुक इज योर्स, तो आपने आया था ब्लू बुक है ना, तो ब्लू से क्या हो गया, जो ब्लू है वो हमारा एज अ एडजेक्टिव काम करेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर और नॉट, बोलो। इतना सब कुछ क्लियर है, इंट्रो। चलिए आज हम फिलहाल इतना ही रखेंगे। अच्छा एडवाला समझाओ, ठीक है बेटा रुक जाओ, कोई जाएगा नहीं अभी, पीयूष का डाउट है एडवर्ब वाला देखे है, और एडवर्ब में डी नहीं आती, लास्ट में बी आती है पीयूष। बेटा जब मैंने बोला व्हाई आर यू हियर, तो आपने आंसर आया कि आई एम हियर फॉर रीडिंग है ना, रीडिंग या फिर लर्न इंग्लिश। तो फॉर लर्न इंग्लिश जो है वो एक रीजन को दिखा रहा है, और रीजन को दिखाने के लिए हम एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज करते हैं, और जब एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज कर रहे हो, एडवर्ब ऑफ रीजन का यूज कर रहे हो, तो वाई का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन से आया, और जब वाई का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन से आता है, तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इज इट क्लियर पीयूष नाउ, इज इट क्लियर और नॉट। कोई बात नहीं पीयूष, गलतियां सबसे होते हैं, मेरे से हो जाती हैं। क्लियर सर, ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आप सबको, मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूँ, अभी अपने पोल के ऑप्शन पे क्लिक करो, क्लिक करो। आपको भी एक पोल दिखाई पड़ेगा, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, फटाफट सेलेक्ट करो। बेटा वही एक जो ग्राफ टाइप का, ग्राफ टाइप का ऑप्शन आ रहा हो, ग्राफ टाइप का, वाह सबको बहुत अच्छी। कोई डाउट, कोई कुछ नहीं, चलो ठीक है, ठीक गुड नाइट सर, बाय, गुड नाइट गुड रितिका, गुड नाइट खुशबू, बाय बाय एवरीवन, दिस इज ऑल फॉर द डे, बाय बाय।
ठीक है बच्चों, गुड नाइट संध्या, बाय, गुड नाइट पीयूष। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं सेम क्लास में, ठीक है, बाय।